कोणार्क अपना शहर अपनी बात। कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन एक बार फिर से अपने उन्माद की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस और राजनेता लोगों को समझाकर थक गए हैं। कल्याण डोंबिवली में कोरोना के दूसरे दौर में जहां 71 लोगों की मौत हो गई है, वहीं मनसे के एकमात्र विधायक राजू पाटिल ने सीधा राज्य सरकार पर हमला किया है और कहा है कि राज्य सरकार के पास कोरोना के लिए कोई एग्जिट प्लान नहीं है। दुकानों को रात 7 बजे के बाद बंद करना कहा कि समझदारी है। सभी लोगों ने जुम्मे की नमाज अदा की, नमाज पढ़नी चाहिए, अल्लाह ताला से दरख्वास्त होनी चाहिए कोरोना दूर होने के लिए, लेकिन यही नमाज हम अपने घरों से पढ़ सकते हैं। आज इतनी गर्दी मस्जिदों में देख के बहुत बुरा लगा। दोस्तों, हमारे बाजार पेट एरिया में 71 लोगों की जान ली है कोरोना ने, 71, और 2993 लोग कोरोना पॉजिटिव है, मतलब लगभग 3000 लोग। अपने एरिया की, सिर्फ अपने एरिया की बात कर रहा हूं। हमारा और एक 72वां भाई जाना नहीं चाहिए, इसलिए पुलिस प्रशासन, महापालिका प्रशासन, डॉक्टर, नर्सेस रोड पे है, रास्ते पे आपको समझा रहे। अभी एक एरिया में एक जन बोला, आया बड़ा हमें सिखाने, सुना बहुत बुरा लगा। हम अपने लिए नहीं, उसके घर का कोई जाए नहीं, इसलिए अनाउंसिंग कर रहे, इसलिए बार बार आपके हाथ पैर जोड़ रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। आप व्यापारी लोग हो, दुकानदार लोग हो, हम समझ रहे, आप कोई गुनहगार नहीं हो, लेकिन प्रशासन ने आपको जो नियम दिए उनका आपने नियम का पालन करना चाहिए। जो कोई नियम का उल्लंघन करेगा उनके ऊपर बाजारपेट पुलिस स्टेशन की तरफ से कड़क कार्रवाई होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। दोस्तों, आज कल हम सबसे रिक्वेस्ट किए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किए, फिर भी आज सभी ने दुकानें चालू रखी। ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है क्या? वहां भारत देश का सैनिक लड़ रहा है पाकिस्तान चीन सीमा पे, उनको पता नहीं है कहां से गोली आएगी, लगेगी पीछे से निकल जाएगी। हमें अपना दुश्मन पता है, कोरोना हमारा दुश्मन है। 71 लोग क्या होते हैं, 71 लोग, 71 लोगों का जीव घेतला कोरोना ने। मैं परत एकदा सांगतो, अपना कोणी भाऊ, हमारा कोई भाई बहन नहीं जाना चाहिए कोरोना से, इसलिए हम बोल रहे। हमारा 32 साल का पुलिस इंस्पेक्टर गया, 32 ईयर्स ओल्ड, 32 वर्षाचा पोलीस इन्स्पेक्टर कोरोनाने जीव घेतला। काय श्रद्धांजली वाहतो आपण यांना? क्या आप मरते रहे, हम दुकान चालू रखेंगे? नहीं भाइयों, आप व्यापारी लोग हो, आज तक आपका बहुत सपोर्ट मिला है। कोरोना काल में जितना सपोर्ट व्यापारी ने दिया, दुकानदारों ने दिया, उतना किसी ने नहीं दिया है। मैं खुद एक सादा कांस्टेबल हूं, मेरे साथ 10 लोग जुड़े, 10 एनजीओ जुड़े, जिन्होंने खाना खिलाया लोगों को। आप लोग ही हो जो मदद आते हैं ऐसे वक्त में। सिर्फ आपका हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपका धंधा थोड़ा कम होगा, लेकिन 7 बजे दुकान बंद कीजिए। कोरोना हटाना, दूर करना सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। जब तक आप हमारे साथ नहीं हो, हम कोरोना को दूर नहीं कर सकते। मुझे यकीन है, बाजार पर पुलिस, मैं ये भी कहता हूं, आप नजर उठा के देख लीजिए, हर एक घर आपको मस्जिद नजर आएगा। क्या जरूरत है मस्जिद में जाने की? मेरा हिंदू भाई को भी मैं वही बोलता हूं, तुम्हारा हृदय देवल पाइजे, काय गरज नाही, सध्या वातावरण वाईट है। हर घर को मस्जिद बना लो यारो, हर दिल में मंदिर बिठा लो यारो। हम बहुत जल्दी पूरे देश को एक देंगे, एक सीख देंगे कि देखिए हमारे बाजार पेट में सब हम कानून का पालन करते हैं, और कोरोना दूर करने में हम पब्लिक, पुलिस, महापालिका सब इकट्ठा है। जय हिंद, जय भारत। किराणा मालाच्या दुकानात 7 वाजता कोरोना जातो, 7 नंतर पण कोरोना जातो, आणि 12 मध्ये 11 नंतर जातो, असा काय त्यांचा समज झालेला आहे का? आमच्या कल्याण डोंबिवलीतली जास्तीत जास्त लोक ही पगारदार, नोकरदार वर्गातली लोक आहेत, जी कामावरनं आल्यावर काही खरेदी करतात, ते घरी पोचतील कधी आणि खरेदी कधी करतील? मला वाटतं कुठेतरी प्रॅक्टिकल होऊन काही डिसिजन घ्यायला पाहिजेत, ते घेतले जात नाही आहेत। येत्या काळात त्यांना त्याचे परिणाम दिसल्यावर कदाचित बदलही होईल याच्यात। कोणार्क अपना शहर अपनी बात।